यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का और मेरे इस चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो आज मैं भुट्टे के साथ क्या कर रही हूँ, तो दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल यूनिक चीज इस भुट्टे के छिलके से। इस भुट्टे के छिलके से आप बहुत ही सुंदर सी चीज बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसको निकाल लीजिए और आप क्या क्या बना सकते हैं ये मैं अभी आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से आपको इसका जो पूरा पोर्शन है वो निकाल लेना है और बहुत सारे आपके पास इकट्ठे होंगे। आप देख सकते हैं ना ये कितने सुंदर कलरफुल लग रहे हैं, मतलब आप इससे इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर बना सकते हैं ना। मैं सबको सबसे ईजिएस्ट वाला बता रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है ना इसके, इसको कट करना है आपको। तो इस तरीके से सीजर ले लीजिए और जितना भी पोर्शन आप चाहते हैं, लाइक ये मैंने इतना बड़ा लिया है, सेम आप इसी के जितना नेक्स्ट पोर्शन भी कट करके रख लीजिए। तो सबसे पहले कट करके रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो मैं पहले मेजर करती हूँ कितना बड़ा चाहिए मुझे, और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए और मैंने ऑलमोस्ट सब इक्वल से कट करके काफ़ी सारे रख लिए हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, पर जितने भी हैं हम उनसे बहुत सुंदर फ्लावर बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें थ्रेड चाहिए होगा, ग्लू गन चाहिए होगा, आप जो भी प्रेफर करना चाहें, मतलब जो भी आपको लगे कि आप यूज़ कर सकते हैं वो करिए। सो इस तरीके से हमें जो हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, और अगर ये फट भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फोल्ड करना है और यहाँ से इसको इसी तरीके से जैसे एक रोज़ फ्लावर होता है ना, तो जो उसका जो एंड स्टार्टिंग का पोर्शन इस तरीके से रोल रोल सा होता है वो हमें इस तरीके से बनाना है। और यहाँ पे भी आप बांध सकते हैं इसको, जैसे मैंने एक येलो कलर का थ्रेड लिया है, वैसे ये थ्रेड विजिबल नहीं होगा बट फिर भी अगर आप नेचुरल ग्रीन लेंगे तो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से मैं इसको टाई कर देती हूँ। तो ये टाई हो चुका है, तो ये देखिए, तो इसका स्टार्टिंग पोर्शन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमने और ये जो दूसरे पोर्शन काटे थे ये देखिए, अब इसे सेंटर में रखिए और इसको हमने, जैसे इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया था, इस बाहर के पोर्शन को बनाने के लिए आप बाहर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड कीजिए, इसके चारों तरफ। अब हमें यही सेम प्रोसेस थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करना है, और चाहें तो आप बिल्कुल सेम एक ही से कर सकते हैं। देखिए ये बन गया है, और फिर टाई कर सकते हैं एज पर योर विश। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसे टाई कर दूँ ताकि ये ना, पता, सेफ एंड सिक्योर है, नहीं तो ये मूव करता है बहुत सारा। तो थ्रेड ले लेते हैं और फिर इसे अच्छे से टाई कर देते हैं। अभी ये थोड़ा गीला है, मतलब ये जो लीफ है ये बिल्कुल प्योरली ड्राई नहीं हुई है। अगर ये ड्राई हो जाए और आपसे काम ना हो तो आप इसे थोड़ी देर पानी में रख के बाहर निकाल लेंगे तो ये सही हो जाएगा, वरना ड्राई का भी इतना मुश्किल नहीं होता, फोल्ड होती है आराम से। सो ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा। अगर आप चाहें तो यहीं पे रुक जाइए, अदरवाइज आपको लगता है कि आपको थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाना है तो सेम इसी तरीके से फोल्ड कीजिए, इसके ऊपर डालिए और फिर शुरू हो जाइए। थोड़ा ऊपर की तरफ ले लीजिए जहाँ से आपने, जैसे हमने यहाँ पर एंड किया था, तो मैं यहीं से शुरुआत कर देती हूँ ताकि, यहाँ से शुरू करती हूँ ताकि एक थोड़ा सा प्यारा सा लुक। ये देखिए जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से इसे मोल्ड कर सकते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है ये, और आप देख सकते हैं ना कितना ज़्यादा सुंदर बन गया ये। तो यहाँ पे भी अब मैं चाह रही हूँ मैं ग्लू गन की हेल्प से ना इसे स्टिक करूँ थोड़ा, स्टिक कर देती हूँ। आप इसे सेट भी कर सकते हैं
और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर स्टिक करने के बाद भी ना थोड़ा सा हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से टाई करना ही होगा। तो टाई भी कर लेते हैं अच्छे से। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा फ्लावर बन गया है। और अभी से थोड़ा सा आप हल्का हल्का ओपन कर दीजिए इस तरीके से। तो ये बहुत सुंदर है, बन के रेडी हो चुका है। और इसी तरीके से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स इससे बनाए जा सकते हैं वैसे तो, बट हम आज एक ही पे फोकस करेंगे बिकॉज हमें इसके आगे भी चीज़ें करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसके आगे भी अगर आप करना चाहें तो इसी तरीके से आप यहाँ पे लगाते जाइए और इसे बड़ा कर सकते हैं आप। इवन आप इसको सेंटर में रख के, जैसे देखिए ये एक है और ये इतना अच्छा नहीं है, ये इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फ्लावर को बीच में रखकर, और ये देखिए ये एक बुके के जैसा बन जाएगा। मतलब आप इतना डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं ना इसका, मैं जितना देखती जा रही हूँ इसको मुझे और आइडियाज़ आते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें डिफरेंट फ्लावर्स बनाने। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने काफ़ी सारे बना के रख लिए हैं, जितने मेरे पास थे इतने बन गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसके ऊपर एक ये जो हस्क का ना एक लेयर लगाना है, इससे ये और इसका लुक अच्छा आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से जो मेरे पास बचे कुछ है ना, मैं इनको क्या करने वाली हूँ, इस तरीके से रोल करने वाली हूँ। इस तरीके से रोल करने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए आप कोई भी पेंसिल या कुछ इस तरीके का ले लीजिए और जो इसका स्टार्टिंग का है वहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से रोल करना है। पूरा रोल कर दीजिए आप और फिर सिंपली इस तरीके से कर दीजिए। तो ये देखिए किस तरीके से कितना सुंदर लग रहा है ये। इसी तरीके से हमें और भी कर लेने हैं। और अब हमें जो भी इसका एंड का पोर्शन है ना वो हमें कट करना है, क्योंकि हमें इसे स्टिक करना है, तो इसलिए मैं ये एंड का पोर्शन कट कर देती हूँ। और ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से मैं लगाने वाली हूँ और फिर इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। और जो इसका नीचे का पोर्शन है वो भी मुझे स्टिक करना है, तो मैं वो यहाँ पर करूँगी। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से स्टिक करने वाली हूँ। जो भी आपको एक्स्ट्रा लगे, कुछ भी ख़राब लगे, तो वो आप इसको कट कर दीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सारे फ्लावर्स को डेकोरेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम फ्लावर्स तो देखिए बना चुके हैं ये सारे के सारे और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम बनाने वाले हैं जो हम साइड में कुछ चीज़ें लगाने वाले हैं। तो मेरे पास अब ऑलमोस्ट ये सारे वेस्ट टाइप के ही बच गए हैं, तो इनके भी हम क्या करने वाले हैं, इनको भी आप कट कर लीजिए या फिर आप हाथ से ही इस तरीके से ये चीज़, अगर आप इसे टियर करेंगे तो ये टियर हो जाएगा। तो ये टियर करके करना क्या है वो भी आपको अभी मैं बताती हूँ। देखिए जैसे इस तरीके से ये फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ही हैं। तो इस तरीके से टियर कर लेना है, तो काफ़ी सारे टियर करके आप रख लीजिए और फिर मैं आगे बताती हूँ कि हमें इसके आगे करना क्या है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मैंने एक, मेरे पास एक डंडी पड़ी हुई थी, ये एक प्लांट का है, ये देखिए पूरा इस तरीके का, और मैं इसी को इसके साथ डेकोरेट करने वाली हूँ। तो हमें रैंडमली इसको जहाँ भी हमारा मन करे वहाँ पर हमें इसे ग्लू गन की हेल्प से, या फिर अगर आप किसी और चीज़, अगर आपके पास हार्ड वाला कोई ग्लू है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इस तरीके से इसे बहुत ही अच्छे से चिपका देने वाली हूँ ताकि ये निकले ना, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है। और आप जैसे भी आपका मन करे आप वैसे यहाँ पर अच्छे से इसको अरेंज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से हो जाता है। आप देखिए इसका लुक आना शुरू हो गया। इस आप किसी भी, अगर आपके पास ये ऐसा कुछ नहीं है तो आप सिंपली इसको डंडियों में रैप कर लीजिए और बुके के जैसे अपने गमलों में सजा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जहाँ भी मेरा मन कर रहा है मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। सो
फ्रेंड्स ये देखिए, ये काफ़ी हद तक मैंने बहुत इसे अरेंज कर दिया है। और आप चाहें तो इस जो ये जो लकड़ी है, ये जो ब्रांच है, इसको आप पेंट भी कर सकते हैं। मैंने इसे किया नहीं है बिकॉज मैं देखना चाह रही हूँ कि पहले इसका लुक कैसा आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना कि आपको ये जो चीज़ें टियर करनी है, ये इसलिए मैंने आपको बोला था कि अब हमारे पास जितना भी पोर्शन है इस तरीके से आपको ये टियर कर लेना है। और जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हमें बाकी हैं वो हमें इसे रैंडमली कहीं कहीं पे एज अ लीफ लगाना है हमें ये। तो इस तरीके से आप इसे पहले अच्छे से स्टिक कर दीजिए और आपका मन करे तो इसे यहाँ से कट करके इसको इस तरीके से रोल कर दीजिए। तो ये तो उतने अच्छे से हुआ नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ अच्छे से कैसे करना। बिकॉज मैं भी जब बनाती हूँ तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं इसे रैंडमली कर रही होती हूँ। अब देखिए मेरा दिमाग यहाँ गया कि मैं इसे क्यों ना ऐसे कोनिकल शेप में कट कर दूँ। और इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा, देखिए जैसे ये है, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे को पता चल गया कि मुझे कैसा करना है, तो मैं इसे इस तरीके से कट कर दूँगी और रैंडमली ब्रांचेज में कहीं कहीं पे भी इसे मैं लगा दूंगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। और फिर मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया था कि जब मैं ये कॉर्न देख रही थी ना, तो ये देखिए मेरे पास ये चीज़ मुझे दिखाई दी थी, क्योंकि कॉर्न के आगे इस तरीके से ये चीज़ रहती है। तो मुझे मेरा मन हुआ क्यों ना मैं इसका भी यूज़ करूँ और इसके अंदर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कि ड्राई हो चुका है, कुछ तो ड्राई नहीं हुए हैं बट ये देखिए ये है ना, तो मेरा ऐसा मन हो रहा था कि क्यों ना मैं ये ब्रांच इसका, मैं हमेशा कैमरे से बाहर चली जाती हूँ, तो ये मैं क्यों ना इस तरीके से लूँ, इसके अंदर सेंटर में इस तरीके से डालकर दिखाती हूँ आपको। और ये भी ट्रायल ही हो रहा है तो मैं इस तरीके से डाल दूं, इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे कट कर दूं। आई थिंक आपको दिख रहा है, और देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। सपोज़ मैंने ये अगर कहीं कहीं पे रैंडमली लगाया तो पहले इसे देख लेती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो अगर हम इसे नेचुरली इसे ऐसे लगाएं कहीं पे तो देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये लगाया, यहाँ लगा के देखती हूँ ये कैसा आ रहा है। तो एक दो जगह लगा लेते हैं हम ताकि थोड़ा नेचुरल सा लुक आ जाए। बनके तो रेडी हो गया है बट मुझे फिर भी इसमें कुछ कमी लगी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे थोड़ा पेंट कर दूं तो ये और बेटर लगने लगेगा। मीन्स दिखने में अच्छा लग रहा है बट थोड़ी सी कमी लग रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मैं इसे थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ, जिसकी वजह से इसका जो ब्रांचेज है ना वो थोड़ी ब्राइटन अप हो जाएंगी। आप चाहें तो इन फ्लावर्स में भी कलर कर सकते हैं पर मैं ये बिल्कुल नेचुरल रखने वाली हूँ, और जो इसकी ब्रांचेज हैं उसमें मैं थोड़ा सा कलर करने वाली हूँ।